Very good morning. In this video talk, we will see how to solve examples, problems based on profit and loss and average. सबसे पहले हम बात करते हैं profit and loss की. इसमें आपको कुछ terminologies ख्याल में रखने हैं. सबसे पहले है cost price, CP जिसे कहा जाता है cost price. ये एक ऐसी प्राइस है जिस प्राइस पे गुड्स को हम खरीदते हैं. द प्राइस एट विच गुड्स आर परचेस्ड, गुड्स आर बॉट. नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, SP हम कहेंगे इसके बाद. सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड. सो अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉफिट. So therefore profit is equal to selling price minus cost price. यदि आपका selling price आपके cost price से कम होता है, so it's a loss. That means loss is equal to cost price minus selling price. अब बात आती है profit percent निकालने की या फिर loss percentage निकालने की. So profit percent और loss percent अगर आपको निकालना है तो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए प्रॉफिट या फिर लॉस की अमाउंट. सो प्रॉफिट अमाउंट या फिर लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. आप हमेशा इसे कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही परसेंटेज निकालेंगे, आपकी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड्स. सो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अमाउंट या फिर लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि यू रिक्वायर द आंसर इन परसेंटेज. कुछ एग्जांपल्स है स्क्रीन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है एक्स बॉट 50 पेन्स एट ₹12 ईच. 12 रुपये की एक पेन खरीदी है एक्स ने, टोटल 50 क्वांटिटी है. ही सोल्ड ऑल द पेन्स फॉर ₹580. अब कुल मिला के उसने ₹580 में सभी पेन्स को बेच दिया है. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, उसका प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, जो भी है वो कितना होता है, हाउ मच. सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन्स. यदि एक पेन 5 रुपये की है, 12 रुपये की है, तो 50 पेन्स की कॉस्ट है 600. 50 मल्टीप्लाइड बाई 12, इट इज़ 600. अब उसने सभी क्वांटिटी बेची है 580 में, 580 में. सो लॉस हुआ है लॉजिकली. सो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. दैट मीन्स 600 माइनस 580 आपका आंसर है 20. सो ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹20. सेकेंड एग्जाम्पल है रविंद्र बॉट 15 टॉयज फॉर ₹40 ईच. 40 रुपये का एक टॉय है, टोटल क्वांटिटी है अपनी 15. ही सोल्ड देम ऑल फॉर ₹675 में उसने सभी टॉयस बेच दिए. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन एंड हाउ मच. सो कॉस्ट प्राइस कितना है 15 टॉयस का, वो है 15 × 40, दैट इज 600. उसने बेचा है 15 टॉयस को 675 में, तो उसका होता है प्रॉफिट. That means selling price minus cost price is equal to ₹75. अब क्या होता है, इफ़ ए शॉपकीपर सेल्स 40 टॉयज एट ₹5 ईच. 40 टॉयज को बेचा गया है 5 रुपये का एक टॉय. सेल्स यहाँ पे गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालना है. अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपके पास सेलिंग प्राइस होनी चाहिए और आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट होनी चाहिए. ये दो चीज़ें होनी चाहिए आपको कोई भी तीसरी चीज़ निकालने के लिए. कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको तो आपके पास होना चाहिए सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट. ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹80, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टॉय. अब 40 टॉयज एक 5 रुपये का बेचा है, मतलब टोटल बेचा गया है ₹200 में. सेलिंग प्राइस टोटल है 200, उसमें से जो ₹80 है वो प्रॉफिट है, तो वो 80 हमने माइनस कर दिया, तो बचा आपका क्या, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 200 माइनस 80 आपको मिलता है 120 का कॉस्ट प्राइस 40 टॉयज के लिए। अब पर टॉयज की प्राइस निकालनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 40 और अमाउंट कितना है 120, दैट मीन्स एक टॉय आपको पड़ता है 3 रुपये का। सो ईच टॉय कॉस्ट ₹3। सिमिलर एग्जाम्पल एक गिवन है, मिस्टर साहिल बॉट 4 hectares ऑफ लैंड एंड सोल्ड इट ऑल फॉर ₹16 lakh। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। एट वॉट रेट पर हेक्टर ही बॉट द लैंड, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको पर हेक्टर का। तो सेलिंग प्राइस है आपकी 16 lakh, प्रॉफिट आपका 50,000, दैट मीन्स 15,50,000, 15,50,000 आपका निकलता है CP। अब ये 4 hectare की प्राइस है, आपको निकलना है पर हेक्टर प्राइस, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 15,50,000 दैट मीन्स 15,50,000 डिवाइडेड बाय 4, यू गेट 3,87,500 ईच हेक्टर पर हेक्टर। कुछ और एग्जांपल हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ए शॉपकीपर बॉट अ टीवी फॉर ₹25,000 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर फॉर ₹27,500। अब हमें निकालना है इनका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपके पास होनी चाहिए प्रॉफिट का अमाउंट, देन होना चाहिए आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट अमाउंट कितना है आपका, सेलिंग प्राइस है आपका 27,500, आपका कॉस्ट प्राइस है 25,000, तो आपका जो प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है 2,500। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। इट इज़ नाउ 2,500 डिवाइडेड बाय 25,000 इनटू 100, यू गेट 10% एज अ प्रॉफिट परसेंटेज। सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जांपल, मिस्टर राहुल सोल्ड अ बाइसाइकिल फॉर ₹2,000 दैट ही हैड बॉट फॉर ₹2,500। 2,500 में ख़रीदा था, ₹2,000 में बेचा है, दैट मीन्स लॉस हुआ है। अब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। लॉस हुआ है ₹500 का, लॉस परसेंटेज के लिए आपके पास चाहिए लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली वी हैव लॉस अमाउंट 500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 100, यू गेट 20% एज योर आंसर। सो हमारा लॉस परसेंटेज निकलता है 20%, उसका क्या हुआ है नुकसान। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व, यू कैन ट्राई सम एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स, मिसेस रानी बॉट अ टीवी फॉर ₹25,000, खरीदी गई ये टीवी 25,000 में एंड सोल्ड इट टू मिसेस कृष्णा फॉर 24,000 और बेची गई है 24,000 में। देन इट इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव अ लॉस ऑफ ₹1,000। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालने हैं, तो हमारे पास होना चाहिए लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस का अमाउंट है हमारा 1,000, हमारा CP है 25,000, लॉस परसेंटेज हमारा निकलता है 4%। सो कितना नुकसान हुआ है उनका, 4% लॉस। देन वी हैव वन मोर एग्जांपल, ऑन सेलिंग अ कार फॉर ₹2,16,000, राम मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी मेथड यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको हमेशा कंसिडर करना है 100%, द कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको उतना प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस में ऐड करना है, वो बनता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बनता है आपका यहाँ पे 109, 100 कॉस्ट प्राइस प्लस 9% प्रॉफिट, तो आपका बनता है सेलिंग प्राइस 109। 109 का जो अमाउंट है 2,16,000 वो आपको गिवन है, आपको 100 के लिए एक प्राइस निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड है जो मैं आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है और आपको मिलता है 109x इज इक्वल टू 2,16,000 इंटू 100।
देन आपको एक्स का वैल्यू निकालना है 198,165, ये आपका था कॉस्ट प्राइस। कुछ एग्जांपल्स हमको यहाँ पे देखते हैं एवरेज के ऊपर, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे बेस्ड ऑन एवरेज। नाउ एवरेज के लिए आपको चाहिए टोटल ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा, टोटल ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। सो एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट एवरेज फॉर, आपको किसी भी डेटा का टोटल चाहिए और उसका नंबर ऑफ डेटा चाहिए, आप इजीली एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 5 क्रिकेट मैचेस सुनीता स्कोर्ड 79, 59, 99, 58, 65 रन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ हर एवरेज स्कोर। अब एवरेज निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, टोटल स्कोर, तो आपको सभी 5 मैचेस का जो स्कोर है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। सम ऑफ द स्कोर्स जो है वो इज़ 360। एवरेज स्कोर निकालने के लिए आपके पास चाहिए टोटल ऑफ रन्स दैट इज 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस शी प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस है 5, तो आपका एवरेज जो स्कोर आता है वो है 72। इसी वजह से आपको बाकी के एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। सेकंड एग्जांपल बोलता है अ कॉलेज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 10 स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट हाउ फार देयर स्टूडेंट्स लीव फ्रॉम द कॉलेज। 10 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया है ये देखने के लिए कि वो कॉलेज से कितना दूर रहते हैं। गिवन बिलो इज द डिस्टेंस ऑफ द हाउस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलेज, ये उनका डिस्टेंस गिवन है कॉलेज से घर तक का। अभी हमको एवरेज डिस्टेंस निकालना है, उनका जो डिस्टेंस गिवन है वो है 70, 80, 60, 56, 43, 37, 52, 63, 42 and 93। इन सभी 10 डिस्टेंसेस का आपको एडिशन करना है, वो मिलता है आपको 590 इज़ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको गिवन है 10, यू गेट 59 किलोमीटर एज इन एवरेज डिस्टेंस। अगेन वी हैव सम एग्जांपल्स जहाँ पे बोला गया कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन जिसका आपको एवरेज निकालना है, तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको सभी नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज 3856 प्लस 127 प्लस 552 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 535 प्लस 668 प्लस 999 प्लस 1236, इन सब का एडिशन करना है आपको, यू गेट 10473 डिवाइडेड बाय, आपको नंबर देखने कितने, टोटल 9 नंबर्स गिवन है तो डिवाइडेड बाय 9 करेंगे हम एंड यू गेट द एवरेज नंबर इज 1163.67। सो इसी तरह से आपको एवरेज को कैलकुलेट करना है। अगेन वी हैव वन मोर एग्जांपल जहां पे एक वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल सेलर, जिसका 7 डेज का इनकम गिवन है, इनकम है 83, 79, 81, 85, 73, 64 and 67 रुपीस। आपको इसी इनकम का एवरेज इनकम निकालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सभी इनकम जो गिवन है उसके एडिशन करना है, यू गेट 532 एज हिज टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इज 7, यू गेट 76 रुपीज़ एज हिज एवरेज इनकम फॉर ऑल 7 डेज। सो इन दिस वे यू कैन ट्राई सम एग्जांपल्स, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज। थैंक यू वेरी मच।